सो वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंडर बीएसएस ऑनलाइन कोचिंग। तो पिछली वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का कक्षा 6 का जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें हमने रोमन संख्याओं के बारे में जाना। हमने जाना कि रोमन संख्याएं जो होती है उनको 50 से लेकर 200 तक कैसे लिखा जा सकता है, और उससे पहले भी मैंने उसकी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 50 तक संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। आज हम 200 से लेकर 400 तक की संख्याओं को कैसे लिखा जाता है वो जान लेते हैं। ये मत सोचना कि आपको सब कुछ आ रहा है, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है और एग्जाम में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ ये मत सोचो कि आपका एक प्रश्न 1.25 मार्क्स का ही है, लेकिन आपकी जो मेरिट है वो भी इतने इतने नंबर पर ही डिपेंड रहती है। एक नंबर से बच्चे छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना और वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे लिखकर भेज दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और पिछली कुछ वीडियोस में मेरे को बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाओ, ठीक है, आज से मैं धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जो फास्ट चाहते हैं वो वीडियो की स्पीड को फास्ट कीजिए, आपको फास्ट भी मिल जाएगा। ओके जी, तो आज हम 201 के और आगे बात करते हैं। ये तो 2001 हो गया, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, देन 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, देन और आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन हाल फिलहाल इन्हें सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ओके जी, 201 को कैसे लिखेंगे? मैंने क्या बताया था कि जो 200 है 200 को हम सी सी लिखते हैं, दो बार हमें सी लिखना पड़ता है, उसके अंदर हमें एक जोड़ना है तो ही हमें 201 मिलेगा। तो एक जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में एक को लिखना पड़ेगा, तो सी सी आई, ये हो गया 201, फिर सी सी आई आई दो जोड़ दिया, फिर सी सी आई आई आई, सी सी आई वी, सी सी वी, सी सी वी आई, सी सी वी आई आई, ये हमने 7 जोड़ दिया। इसी प्रकार से हम और आगे जोड़ते जाते हैं, जैसे कि सी सी वी आई आई आई, सी सी एक्स, सी सी आई एक्स, 9 जोड़ दिया, सी सी एक्स, फिर ये हो गया 210, सी सी एक्स आई, सी सी एक्स आई आई, सी सी एक्स आई 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 एंड सी सी एक्स आई वी, ये हो गया 214। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, 214 तक हमने बता दिया है आपको। क्या किया है हमने, सिर्फ संख्याओं को जोड़ा है, जैसे कि अगर मैं 215 की बात करूं, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, फिर 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 एंड 238। अभी यहां तक हम देख लेते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा हमने और ज्यादा ले लिया आगे, कोई दिक्कत नहीं है। वन सेकेंड प्लीज है। ओके, 215 की बात करते हैं तो सी सी एक्स वी, 200 के अंदर हमने 15 को जोड़ दिया, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो हमने लिख दिया, फिर सी सी एक्स वी आई, सी सी एक्स वी आई आई, सी सी एक्स वी आई आई आई, सी सी एक्स आई एक्स, सी सी एक्स एक्स, सी सी एक्स एक्स आई, सी सी एक्स एक्स आई आई। ओके, क्या किया हमने, 200 के अंदर 15, फिर 16 जोड़ दिया, फिर 17 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ दिया, फिर
19 जोड़ दिया, फिर 20, फिर 21, फिर 22, ऐसे जोड़ते जाएंगे। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, सी सी एक्स आई आई आई, इसके अंदर एक और एक्स आएगा, इसके बारे में ध्यान रखना, 20 और 20 में जोड़ दिया और, ठीक है, सी सी एक्स एक्स आई वी, सी सी एक्स एक्स वी, सी सी एक्स एक्स वी आई, सी सी एक्स एक्स वी आई आई, सी सी एक्स एक्स वी आई आई आई, सी सी एक्स एक्स आई एक्स, सी सी तीन बार एक्स। क्या किया हमने, 200 के अंदर 20, 20 के अंदर जोड़ दिया 3, 200 के अंदर 24 जोड़ा, 25 जोड़ा, 26 जोड़ा, 27 जोड़ा, और फिर 28 जोड़ा, 29 जोड़ा, 30 जोड़ा। जोड़ने के लिए राइट हैंड साइड का यूज किया हमने। 231 की बात करते हैं, तो सी सी एक्स 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 आई, एक्स को हमें तीन बार रखना पड़ेगा, ठीक है, फिर सी सी तीन बार एक्स आई आई, सी सी एक्स को तीन बार, फिर आई को भी तीन बार, फिर सी सी एक्स को तीन बार, आई वी, फिर सी सी एक्स को तीन बार, फिर वी, फिर सी सी एक्स को तीन बार, वी आई, ओके, ये वी आई है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज के बारे में, फिर सी सी तीन बार एक्स, वी आई आई, फिर सी सी एक्स को तीन बार, वी आई आई आई, ओके। कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हो कि 231 के लिए हमने सी सी तीन बार एक्स फिर लिखा आई। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आंसर आपको वीडियो के नीचे लिखकर बताना है। तो ये हो गया 238। फिर हम 239 की बात करते हैं, 240 की बात करते हैं, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 एंड 257। और आगे बढ़ते हैं, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, ओके। वन सेकेंड, ओके। 239 कैसे लिखेंगे, सी 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 हो गए 200, फिर उसमें एक्स को लिखा तीन बार, फिर आई एक्स, ये हो गया 239, क्योंकि हमने इसके अंदर 39 को जोड़ दिया 200 के अंदर। फिर सी सी एक्स को अब हम तीन बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो हम क्या करते हैं, 250 में से 10 को माइनस करते हैं तो हमें 240 मिल जाते हैं। तो सी सी एल में से 10 को माइनस कर दिया तो सी सी एक्स एल, मतलब कि 50 को कुल मिलाकर जोड़ दिया हमने, सॉरी 40 को जोड़ दिया हमने, ठीक है। फिर सी सी एक्स एल आई, सी सी एक्स एल आई आई, फिर सी सी एक्स एल आई आई आई, सी सी एक्स एल आई वी, सी सी एक्स एल वी, सी सी एक्स एल वी आई, सी सी एक्स एल वी आई आई, ये हो गया। फिर सी सी एक्स एल V I I I C C X L then ये I X हो गया, I X, ओके, C C X L I X, क्योंकि हमने 240 में 9 जोड़ दिया, ओके, फिर C C L। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहां पर आपको यहां तक लिखवा देता हूं, फिर आप खुद इनकी कोशिश कीजिएगा, अगर ना आए तो आप मेरे से पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया होगा। फिर और आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम 500 उससे ऊपर, फिर 1000 उससे ऊपर, 6000, इन संख्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम 500 तक जो भी हमारे को खास खास है पॉइंट वो हम ले लेते हैं, ठीक है, पहले एक बार ये पूरा कर लेते हैं, ओके।
तो ये हो गया CCL, CCLI, CCLII, CCLIII, CCLIV, CCLV, CCLVI, CCLVII. क्या किया हमने कि हमने पहले 250 किया, 250 में एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, फिर चार जोड़ा, फिर पांच जोड़ा, फिर छह जोड़ा और फिर सात जोड़ा, फिर हमें यहां पर 250 में जोड़ना है आठ, तो CCLVII, CCLV, CCL, फिर हमें 9 जोड़ना है, तो पहले आएगा I फिर X, ये हो गया 9, फिर CCLX, हमने 250 में 10 जोड़ दिया, मतलब 260 हो गया, फिर CCLXI, CCLXII, CCLXIII, CCLXIV, CCLXV, CCLXVI, CCLXVII, इस प्रकार से हमें 267 तक हम संख्याओं को लिख सकते हैं और मैंने आपको बता दिया। अब मेरे ख्याल से आप इसके आगे भी लिख सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर 300 की बात आती है तो आपको सी को तीन बार लिख देना है, अगर 290 की बात आती है तो क्या करना है आपको कि 200 में आपको 90 जोड़ देना है, तो इस प्रकार से जोड़ सकते हो सी सी एक्स सी। ओके, इसी प्रकार से मैं अगर बात ये करता हूं कि आप 350 कैसे लिखोगे, तो सी 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 एल, ये हो गया 350, इसके आगे भी आप संख्याओं को जोड़ घटा सकते हो। इसी प्रकार से मैं अगर बात करूं कि आप 390 कैसे लिखोगे, तो 390 लिखने के लिए अब आप क्या करते हो बच्चे कि सी सी सी, ये हो गया 300, इसके अंदर हमें 90 जोड़ देना है, तो एक्स सी, ये हो गया 390। अगर हम 400 की बात करें तो 400 को अब आप सी को चार बार नहीं लिख सकते, इस चीज के बारे में ध्यान रखना, इसके लिए हमें 500 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा। अब 500 को कैसे लिखा जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था डी, तो 500 में से 100 को माइनस करना है, तो 100 को क्या कहते हैं हम सी। अब अगर 100 को हमें माइनस करना है, मतलब कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा, तो डी के लेफ्ट हैंड साइड में, तो सी डी, ये हो गया 400, फिर 401 का मतलब सी डी आई, ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बात आती है कि 490 की, 490 वो कैसे लिखेंगे, तो 490 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 400 कैसे लिखते हैं हम सी डी, ये 400, 90 को जोड़ना है तो एक्ससी, सी डी एक्ससी 490। 500 की बात मैंने आपको बता दी कि 500 को हम लिखते हैं डी, 501 की बात आएगी तो डी आई, ऐसे ऐसे हम और आगे बढ़ेंगे, फिर 550 की बात आती है तो डी एल, क्योंकि हमने 500 के अंदर 50 को जोड़ दिया। इसी प्रकार से अगर हम 590 की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स सी, ये हो गया 590। और अगर हम 600 की बात करें तो डी सी, 500 के अंदर सी को जोड़ा, मतलब कि 100 को जोड़ा तो 600 हो गया। ओके, इसी प्रकार से अगर हम 650 की बात करें तो डी सी एल, 50 और जोड़ दिया। इसी प्रकार से मैं अगर और आगे बात करूं, जैसे कि 580, 590 और 600, तो 580 की बात होगी तो डी सी एल तीन बार एक्स कर दो, ये हो गया। 90 की बात आती है तो डी सी, उसके अंदर हमें 90 को जोड़ना है तो एक्स बी सी एक्स सी। ओके, यहां पर कंफ्यूज मत होना, देखिए यहां पर ये है 490 तो सी डी एक्स सी है, 590 तो डी सी एक्स सी है, दोनों में चेंज है, इसमें सी पहले, इसमें सी बाद में है, ये पहले है डी, ठीक है। 600 की बात आए तो डी सी, बस ये हो गया 600। एक सेकंड, यहां पर गलती हुई है हमारे से, है ना, ये क्या लिखा हमने, 580 है, ओके ओके, ये 580 है, तो 580 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डी एल और एक्स को तीन बार लिख दो, बस ये 580 हो गया, ये 680 है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, क्या है 680, 680 को लिखते हैं हम डी सी एल एक्स एक्स एक्स, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर भी ये जो है,
ये 690 है. अगर हम 590 की बात करें तो 590 को लिखते हैं डी एक्स सी. ओके डी एक्स सी लिखते हैं, है ना. ओके ये एक हो गई गलती मेरे से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक वंस अगेन. ओके ये 680 की बात हो गई. फिर हम और आगे बढ़ते हैं, 700 की बात करते हैं. 700 कैसे लिखते हैं, 500 के अंदर 200 को जोड़ दो. अब 500 कैसे लिखते हैं, डी और 200 को सीसी, तो डी सीसी. 750 की बात करें तो डी सी सी एल, ये 50 को हमने जोड़ दिया. इसी प्रकार से अगर आप 800 की बात करो तो 800 के लिए डी सी सी सी, बस डी सी सी सी, ये हो गया 800. यहीं पर मैं अगर 850 की बात करूं तो डी सी 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 एल, ये हो गया 850. 890 की बात करूं तो क्या होगा, डी सी 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 एक्स सी, ये हो गया 890. यहीं पर अगर मैं 900 की बात करूं 900 की, तो अब यहां पर आप डी और सी को चार बार नहीं लिख सकते, ये आपका गलत हो जाएगा. इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 1000 में से 100 को माइनस करना पड़ेगा. तो 900 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1000 को हम लिखते हैं m और 100 को लिखते हैं हम c. तो m में से c को माइनस करना, मतलब c को पहले लिखना पड़ेगा. तो सी एम ये है 900. सी एम मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये यहां पर 900 की बात कर रहा हूं मैं, है ना. तो कंफ्यूज मत होना. तो 1000 में से 100 को माइनस किया तो 900, ये हो गया सी एम. अब हमें 901 की बात करनी है तो सी एम आई, सी एम आई आई, सी एम वी. 950 की बात आती है तो सी एम एल. और अगर 999 की बात आती है तो क्या करोगे, उससे पहले हम बात कर देते हैं 990 की. कैसे कर सकते हो, सी एम ये हो गया 900 एक्स सी 90, सी एम एक्स सी 990. और अगर 999 की बात आती है, 999 की बात आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 999, तो 900 को हम सी एम लिखते हैं, 90 को हम इसके आगे एक्स सी जोड़ते हैं और 9 को हम आई एक्स कहते हैं. तो सी एम एक्स सी आई एक्स 999, 999 ऐसा लिखा जाता है. और 1000 को हम एम लिखते हैं, 1001 के लिए एम आई 1001, और आगे आगे बढ़ते जाते हैं. ओके तो उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मेरे को. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था, लिख कर दे देता हूं. 2025 को आप रोमन संख्याओं में कैसे लिखते हो, 1775 को आप रोमन संख्याओं में कैसे लिखते हो, 1677 रोमन संख्याओं में कैसे लिखते हो. इन तीनों के जवाब फटाफट आप मेरे को वीडियो के नीचे लिखकर बताइए. मिलते हैं आपसे हमारी ऐसी ही नेक्स्ट खास वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम 1000 से और आगे अच्छी अच्छी जो बातें होगी वो आपको बताएंगे. फिर आपका न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक मार दीजिएगा. धन्यवाद.